हिंदू जॉइंट फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही कर्ता हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि कर्ता की जो पोजीशन है वो एक स्यू जेनरिस है, अपने आप में एक यूनिक है, किसी ने उसको क्रिएट नहीं किया है, बस एक वो सीनियोरिटी लेवल के ऊपर अपने आप ही, मतलब एक अपने आप में एक ये पोस्ट है। तो जो एक फैमिली के अंदर, एक जॉइंट फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही कर्ता हो सकता है, दो कर्ता नहीं हो सकते हैं। और क्यों, इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ द फैमिली मैटर्स हो जाएगा, नहीं अदरवाइज़ क्या होगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस आएंगे तो फैमिली भी कंफ्यूज रहेगी कि किस कर्ता की बात माननी है, किसकी नहीं माननी है। पर हाँ, कर्ता के अलावा अगर मैनेजर्स हैं तो उस फैमिली के दो मैनेजर्स हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर जो कर्ता है, जैसे मान लीजिए कर्ता है, कर्ता के साथ दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं और कोपासनर्स हैं, अगर कोई किसी कोपासनर ने कोई एक्ट किया है तो पूरी फैमिली उसके एक्ट के लिए लायबल हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कोपासनर है, जिसने कोई एक्ट किया है जिसके लिए पूरी फैमिली लायबल है, वो अपने आप में कर्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसे हम कह सकते हैं कि हर एक जो हिंदू जॉइंट फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही कर्ता होता है। अब बात आती है कि क्या फीमेल्स भी कर्ता हो सकती हैं। 2005 से पहले जो मेल्स हैं वो ही कोपासनर्स होते थे, क्योंकि हमें पता है कि दो कंडीशंस हैं कर्ता होने के लिए। एक तो वो कोपासनर होना चाहिए, अनडिस्क्वालिफाइड कोपासनर होना चाहिए, सेकंड वो मेल होना चाहिए। अब क्या है कि फीमेल्स को भी 2005 के बाद कोपासनर बना दिया गया है, और ये सीनियोरिटी के ऊपर, मतलब कर्ता की जो पोजीशन है वो सीनियोरिटी के ऊपर बेस्ड है, बस जो सीनियर है वो कर्ता है। तो यहाँ पे अगर फीमेल है, कोपासनर है, वो सीनियर मोस्ट है फैमिली के अंदर, तो शी कैन बी अ कर्ता। पर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आफ्टर मैरिज उसको अपने दूसरे घर जाना है, पर ला ने उस चीज़ को भी वो कर दिया है कि आफ्टर मैरिज वो अपने मायके भी रह सकती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर ये डिफरेंसेस, थोड़ा सा चेंजेस लाए गए हैं 2005 अमेंडमेंट में। तो जो लेडी है, फीमेल है, वो एज ए कर्ता हो सकती है, पर प्रोवाइडेड शी मस्ट बी ए सीनियर मोस्ट। अगर वो जूनियर है तो सबकी कंसेंट लेके होगा, जैसे कि एक मेल को पार्टनर में होता है, तो वैसे ही सेम फीमेल्स के लिए अप्लाई करेगा। हम बात करते हैं कि जो कर्ता है उसके जो पावर्स हैं वो अनलिमिटेड पावर्स हैं, मतलब कर्ता कुछ भी कर सकता है, उसके उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। पर क्या, कब उस पर कोई क्वेश्चन उठा सकता, अगर उसने वेलफेयर ऑफ़ द फैमिली के लिए, जॉइंट फैमिली के वेलफेयर के लिए अगर वो कोई भी एक्शन कर रहा है, कोई भी स्टेप उठा रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि आपने ऐसा क्यों किया। उसकी पावर अनलिमिटेड है, वो कुछ भी कर सकता है। वो मतलब अपनी, अगर वो किसी घर के मैटर्स को मिसमैनेजमेंट भी कर रहा है, प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो तब भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा पाएगा उसके ऊपर। चाहे वो कोई सेविंग नहीं कर रहा है, सब कुछ खर्च कर ही जा रहा है, पर अगर फैमिली के बेनिफिट के लिए खर्च कर रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। अगर वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, फैमिली के एक पर्सन को ज़्यादा दे रहा है, एक को कम कर रहा है, एक के लिए पार्शियलिटी कर रहा है, तो वो सब कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। हाँ, उसका एक ही तोड़ है दूसरे को पार्टनर्स के पास, कि वो अपना पार्टीशन मांग के, पार्टीशन करवा के अलग हो सकते हैं। अदरवाइज कर्ता के एक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। अब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जो अर्निंग है, वो अपनी सारी अर्निंग ला के हेड ऑफ़ द फैमिली को, मतलब कर्ता को पकड़ाएंगे, और वो उसमें से कहाँ पे क्या खर्च करना है वो देखेगा। और इवन जो बाहर के मैटर्स हैं, किसी थर्ड पर्सन को अगर फैमिली ने रिप्रेजेंट करना है, तो कर्ता के थ्रू ही रिप्रेजेंट होता है। कोई भी रिलीजियस मैटर हो, सोशल हो, या फिर लीगल मैटर्स हो, के कोर्ट केसेस हो, या टैक्स वगैरह पे करना हो, तो इन सब में जो कर्ता है वो सबसे आगे रहता है। अगर मान लीजिए कर्ता के अगेंस्ट कोई डिग्री पास हुई है उस एक्ट के, उस एक्शन के लिए जो उसने पूरी फैमिली की तरफ से लिया था, तो सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उसके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, मतलब जो डिग्री है उसके लिए सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो लायबल रहेंगे। पर यहाँ पे है कि जो करता है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है किसी भी मैटर को, पर हमें यहाँ पे देखना है कि अगर वो किसी पैसे को, किसी डेप्ट को अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, डेप्ट को ख़त्म कर रहा है, रिलीफ दे रहा है सामने वाले को, जिससे कि फैमिली मेम्बर को नुकसान होगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि वो सबकी कंसेंट ना ले ले। मीन्स यहाँ पे दूसरे फैमिली मेंबर्स उसके इस एक्शन को लेके, कि उसने कैसे हमारा जो कर्ज है, जिस किसी ने हमें पैसे देने हैं, अगर जॉइंट फैमिली के पैसे किसी ने देने हैं, तो वो कैसे उस चीज़ को माफ़ कर सकता है। अगर मान लीजिए उसने कोई प्रॉमिसरी नोट दिया है, तो प्रॉमिसरी नोट में अगर मान लो कर्ता ने कुछ भी डेप्ट किसी से उठाया है, उधार लिया है, फैमिली प्रॉपर्टी फैमिली के लिए लिया है,
और उस डेप्ट के अंदर प्रॉमिसरी नोट उसने लिख के भेजा है, तो सारे के सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उस प्रॉमिसरी नोट के अंदर लायबल हो जाते हैं, पर सिर्फ अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर, जितना शेयर उनका बनता है सिर्फ उतने के लिए ही लायबल रहेंगे। अब अगर मान लीजिए कि कोई एक्नॉलेजमेंट दे देता है कर्ता, कोई सेक्शन 18 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट में है कि कोई डेप्ट है, तो डेप्ट के अंदर अगर वो सेक्शन 18 के अंदर एक्नॉलेजमेंट देता है जिससे कि डेप्ट का आगे का टाइम पीरियड और बढ़ जाता है, तो जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं वो उसके सेक्शन पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अब जो करता है वैसे तो उसके एक्शन पे कोई को उसके कामों पे कोई एक्शन नहीं उठाएगा जनरली, पर अगर मान लीजिए अकाउंट्स की वो हेरा फेरी कर रहा है, अगर वो उनका मिसयूज़ कर रहा है, वो फैमिली पर्पज़ के लिए पैसों को खर्च नहीं कर रहा है, जो फंड है जॉइंट फैमिली का उसको वो प्रॉपर पर्पज़ के लिए नहीं कर रहा है, उसके अंदर वो फ्रॉड कर रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है उसे, तब जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं और अपना पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं, और साथ में ही उससे कह सकते हैं कि भैया आप ऐसे हमें अकाउंट बुक दिखाइए कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च किया है। जनरली जिस दिन मांग की जाती है उस दिन से ही वो अकाउंट्स वगैरह चेक करवाएगा, पर अगर मान लो उसने कोई फ्रॉड किया है या मिस अप्रोप्रिएशन किया है तो वो पास्ट का जो अकाउंट है वो भी दिखा सकता है। अब यहाँ पे जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं ये सब है वो कर्ता ने ही पे करने हैं। तो जो कर्ता की पोजीशन हमने देखी है कि कर्ता जो है वो अपने उसके उसकी जो पोस्ट है वो ऑनरस पोस्ट है, वो अपने किए हुए काम के पैसे नहीं लेता, पर अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट कर लेता है वो और फैमिली मेम्बर्स के लिए तो साथ की, भाई मैं वैसे तो मेरी जो पोस्ट है वो ऑनरस है पर फिर भी मैं इतने पैसे लूँगा अपने एज ए कर्ता की पोजीशन को होल्ड रखने के लिए, तो वो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है अपने आप में। और जो जॉइंट फैमिली है जब वो अपना फंड जो अपना इनकम टैक्स वगैरह शो करेंगे तो उसमें वो इसको एज एन एक्सपेंडिचर भी शो कर सकते हैं कि हमने कर्ता के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और हम उसको इतना पैसा प्रॉपर्टी को मैनेज करने का देते हैं। तो इस तरीके से कर्ता कंप्लीट होता है।